आप वीडियो पर क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। टेरिप्राइटेड ये जो इंजेक्शन आरएसयू पर जो लिखा हुआ टेरिप्राइटेड इंजेक्शन को आप देखो, जो ये इंजेक्शन टेरिफ्रैक ब्रांड नेम से आता है, आर अवले डीएनए ओरिजिन 750 एमसीजी पार्ट 3ml। तो दोस्तों टेरिफ्रैक इंजेक्शन आपको, टेरिफ्रैक इंजेक्शन ये ब्रांड नेम इस प्रकार है, इंटर्स कंपनी बनाता है टेरिफ्रैक इंजेक्शन 750 एमसीजी पार्ट 3ml। तो टेरिप्राइटेड ये इंजेक्शन किस काम में आता है, यूज किया है, तो आपको ये बहुत जरूरी जानना है। प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ओस्टियोपोरोसिस, ये टेरिप्राइट इसमें यूज, ओस्टियोपोरोसिस में यूज होता है। इन पर्सन विथ वॉक्स बोन इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ बोन्स दैट happens after menopause, helps to rebuild bones and osteoporosis in postmenopausal women who are of having bone and spine fracture in postmenopausal women with osteoporosis। So dosto ye पोस्ट मेनोपेज वोमेन के लिए जिसका जो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आता है, वो इसको इंजेक्शन डेली एक इंजेक्शन लगाना है, कम से कम वीकली एक इंजेक्शन आपको लगाना ही है, जिसका ऑस्टियोपोरोसिस एंड मेनोपोजल प्रोसेस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वोमेन मेनोपोजल का कारण हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वीकली एक इंजेक्शन आपको लगना है आप टू 6 मंथ, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस आपको जो आपको वीक हो जाएगा, बोन बहुत ही वीक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का यही है, बोन वीक होना। तो बोन वीक होना पैराथायरॉयड ग्लैंड से ये रिलेटेड है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एंड प्रिवेंट करेगा बोन्स को, बोन वीक नहीं होने देना, और बोन इसको फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है, वो मेनोपॉजल वोमेन के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो ध्यान रहे, कब तक एनी एक इंजेक्शन लगाओ जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, और इसको इंजेक्शन मिनिमम 6 मंथ तक लगाना है और मैक्सिमम 3 साल। तो आप ये लगाने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, बोन भी स्ट्रांग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा, मेनोपॉजल पीरियड भी आपका आसानी से कर जाएगा। सो दोस्तों ये बहुत बढ़िया, आप इसको मेडिसिन को देखो, इसका कोई साइड इफेक्ट परसों प्रतिक्रिया नहीं है, ये इंजेक्शन आप आराम से लगा सकता है, और एंड ये आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड को सक्रिय कर देगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।